सिंथेटिक ट्रैक पर बाहरी खिलाड़ियों का कब्जा। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में है विश्व स्तरीय सिंथेटिक ट्रैक। खेलो इंडिया स्कीम में बनाया गया है सिंथेटिक ट्रैक। मोटी फीस लेने वाली स्पोर्ट्स एकेडमियों के खिलाड़ियों का कब्जा। हरियाणा चूरू समेत अन्य जगहों के आते हैं खिलाड़ी। झुंझुनू के खिलाड़ी बस उन्हें ताकते ही रह जाते हैं। खेल अधिकारी ने कहा, किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन सवाल यह है कि व्यवस्था तो बना सकते हैं। ऐसे झुंझुनू के खिलाड़ियों को कैसे और कब मिलेगा मौका। निजी स्पोर्ट्स एकेडमियां लेती हैं खिलाड़ियों से मोटी फीस। तैयारी करवाने फ्री में पहुंच जाते हैं स्वर्ण जयंती स्टेडियम। खेलो इंडिया स्कीम के तहत झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में 7 करोड़ से विश्व स्तरीय सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया था। सोचा यही था कि झुंझुनू के खिलाड़ी इस ट्रैक पर अभ्यास करें और खेलों में अपना नाम रोशन करें, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं रहा। इस ट्रैक का फायदा झुंझुनू से बाहर के खिलाड़ी उठा रहे हैं, वो भी ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मोटी फीस लेकर झुंझुनू की निजी स्पोर्ट्स एकेडमियों में एडमिशन ले रखे हैं और तैयारी करने फ्री में बड़ी संख्या में एक साथ स्वर्ण जयंती स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जिससे झुंझुनू के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में जिला खेल अधिकारी राजेश ओला का कहना है कि वे किसी भी को रोक नहीं सकते। वो तो यहाँ तक तर्क दे रहे हैं कि कोई नेशनल प्लेयर यहां अपने कोच के साथ अभ्यास करने आता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विवाद यह नहीं है बल्कि सवाल यह है कि प्लेयर झुंझुनू की निजी स्पोर्ट्स एकेडमियों के संचालक कोच के साथ अभ्यास करने आते हैं, जो इन कोच को भारी भरकम और मोटी फीस चुकाते हैं, लेकिन एकेडमी के संचालकों के पास खुद का मैदान तक नहीं है। वे सरकारी मशीनरी का उपयोग फ्री में कर रहे हैं, यही नहीं अपना सामान रखने के लिए स्टेडियम के कमरों तक का उपयोग कर रहे हैं। इधर झुंझुनू के खिलाड़ियों का कहना है कि निजी स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ी इतनी बड़ी संख्या में आकर ट्रैक पर कब्जा कर लेते हैं कि झुंझुनू के सामान्य खिलाड़ी तो बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं, अभ्यास नहीं कर पाते। कुछ लोगों का तो यहां तक आरोप है कि सब मिलीभगत से हो रहा है, पर हाल अब यह जांच का विषय है। इस तरह का कोई भेदभाव किसी खिलाड़ी के साथ नहीं किया जाता है। जो जिले का खिलाड़ी है उसको वरीयता दी जाती है हमेशा, और बाहर के खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलता है खिलाड़ी उसके साथ हम भेदभाव कर भी नहीं सकते। वो चाहे हरियाणा का हो, चाहे MP का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो प्रैक्टिस करने के लिए अगर यहाँ आया है, मकान लेके यहाँ रह रहा है इस जिले में और तैयारी के लिए आ रहा है, तो उसको हम मना नहीं करते हैं। और बस बशर्ते वो प्लेयर जो नेशनल लेवल का प्लेयर है वो अपने साथ किसी कोच को लेकर आता है कि मेरा ये कोच है और मेरे को ये ट्रेनिंग देगा, तो उसके लिए भी हम मना नहीं करते कि ठीक है ट्रेनिंग करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो बिल्कुल आरोप निराधार है कि भाई जिले के खिलाड़ियों को वरीयता नहीं जाती। यहाँ हमारे सिंथेटिक ट्रैक पे एक खेलो इंडिया स्कीम के तहत सेंटर भी है एथलेटिक का, जिसमें खेलो इंडिया की तरफ से एक कोच लगा हुआ है, जो जिले के कम से कम 30-35-40 बच्चे हैं जो रेगुलर यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, और उसमें भी मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अब उनको किसी अनजाने में किसी को लगा होगा कि भाई भेदभाव किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब इसमें क्या है, अगर कोई पॉजिटिव सोचता है तो सकारात्मक सोच के रूप में अगर खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैक का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इसका उपयोग करें और लाभ उठाएं। निःशुल्क निश्चित रूप से हमारा निःशुल्क है। हमारी तरफ से कोई किसी से फीस वसूल नहीं जाती है, क्योंकि पिछली सरकार में एक पे एंड प्ले स्कीम चला करती थी, जिसमें तो खिलाड़ियों को ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए या स्टेडियम मेंटेनेंस के लिए 150 रुपये फीस ली जाती थी, मगर वो उस दौरान पिछले 2 साल से वो बंद है। पे एंड प्ले स्कीम के तहत किसी तरह की कोई किसी स्टेडियम में फीस नहीं ली जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों से फीस लेके, अब जो नेशनल लेवल का प्लेयर है और अपने साथ कोच लेके आ रहा है, वो उसके साथ क्या पैक्ट है, हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि भाई किसी से फीस ली जा रही है, और कोई ग्रुप में या समूह में कोई आता नहीं है कि भाई ये एकेडमी चला रहा है या हमारे यहाँ किसी तरह का अतिक्रमण कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऑलरेडी कोच हैं एथलेटिक के, वो भी इसमें फुल टाइम सुबह शाम रेगुलर ट्रैक पे रहते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं, तो इस तरह का तो कोई हमारे सामने नहीं आया जो कि भाई फीस ली जाए और प्राइवेट अकेडमियों को ज़्यादा वरीयता दी जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है, तो वो जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं वो खुद इक्विपमेंट लेके आए हैं साथ, जैसे जेवलिंग है, हैमर है, कोई शॉर्ट पुट है या कोई गद्दे हैं हाई जंप के, वो खुद पर्सनल ले रखे हैं। उसने रखने के लिए उसने पढ़ा है कि भाई सामान रख लो, हमारे लाने ले जाने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो
उन्होंने अपना कमरा दे रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, इस तरह का नहीं। वो तो डेली लेके आते हैं और लेके चले जाते हैं, सुबह जैसे लेके आते हैं दिन में यहाँ रख जाते हैं। ट्रैक पे भी हमारे एडल्ट्स वगैरह पड़े रहते हैं तैयारी करने के लिए। तो इस तरह का कुछ कोई वो नहीं है कि भाई उनको कमरा दे रखा है या कोई किसी तरह से उनको कब्जा करवा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है।